Another important ethical issues in psychology is dealing with human relations. The first important thing while dealing with the human relation is unfair discrimination. Psychologists should not engage in unfair discrimination based on age, gender, race, culture, status, disability, religion etc. For instance, uh, if a person a client who is coming from uh, let's say uh, supporting another religion believing on another religion or maybe he is atheist so a person who is uh, having a background of another religion wo shayad uske sath uski ideology conflict kar rahi hogi lekin wahan par on basis ke upar aapne apni therapy mein kisi bhi kisam ka koi issue nahi aane dena और अगर आप अपने personal biases को control नहीं कर सकते तो it's better कि आप उसको किसी और को refer कर दें इसी तरह जो फीमेल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होती हैं वो अगर किसी भी वजह से कोई बुरा एक्सपीरियंस करती हैं एंड दे हैव सर्टन काइंड ऑफ इशू के जो मेन हैं वो उनमें ये ये प्रेज उनके जहन में उनके अगेंस्ट पाए जाते हैं तो वो थेरेपी करते वक्त अगर किसी मेल क्लाइंट को उनको लगता है कि वो अप्रॉपरलीट हैंडल नहीं कर सकती और उनके जहन में कोई स्पेसिफिक किस्म की कोई प्रजर्डेस उनके अगेंस्ट होल्ड हो रहा है तो इट्स बेटर कि वो जेंडर uh, इक्वालिटी को सामने रखते हुए अपनी उस थेरेपी में uh, उस इंडिविजुअल को एज अ क्लाइंट के तौर पर मत देखें इसी तरह uh, बहुत सारी और बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एज की बेसिस पे हो सकता है रेस की बेसिस पे हो सकता है वन नीड टू बी अप होल्ड दमसेल्व फ्राम ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देन मल्टीपल रिलेशन दिस इज अनदर इम्पॉटेंट एस्पेक्ट इन ह्यूमन रिलेशन वाई एथिकल स्टैंडर्ड्स

क्योंकि आपको उसका सारा बैकग्राउंड सारी हिस्ट्री उसकी सब बातें आपको पता हैं उसकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता है तो एट टाइम्स आप प्रोफेशनल सजेशन देते हुए प्रॉब्लम में आ जाते जाए एक ही फैमिली के एक टाइम पे एक से ज्यादा लोगों को देखना ह्यूमन रिलेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स में डिस्करेज किया जाता है मसलन फॉर इंस्टेंस एक मदर आई हैं वो अपनी बेटी की भी थेरेपी ले रही है और अपने बेटे की भी लेना चाह रही हैं सो यू नो आपको क्या कहते हैं यू जस्ट सीक वन रेफरल And one you have to send to another one, right? Because within the family, uh, history taking ke baad, different problems create ho sakte hain. professional ke liye uh, treatment ke protocols. Then sexual harassment. Psychologists should strictly not engage in any kind of sexual harassment. Uh, it can consist of single intense act, it could be the multiple persistent or pervasive acts. वेरी अनफॉर्चुनेटली मोर रिसेंटली वी हैव बीन लर्न के कुछ फेक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फेक इन अ वे दैट दे आर नॉट प्रोफेशनली कंपेटेंडन ऑफ दे आर इन्वॉल्व इन टू मैल प्रैक्टिस और वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो सेक्शुअल हरासमेंट करते रहे हैं और इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन सो मच अराउंड अस सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट दैट जब एक इंटरैक्शन एक फॉर्मल पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एज ए थेरेपी एज अ क्लाइंट उसके बीच में इस तरह का कोई भी एक्ट जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायोलेट करता है एंड वन शुड बी रिफ्रेन दमसेल्व फ्राम डूइंग एनी सच एक्टिविटी अवॉइडिंग हार्म साइकोलॉजिट शुड टेक स्टेप्स टू अवॉइड हार्मिंग पीपल अननेसेसरी और नेसेसरी किसी को भी हार्म देना uh, एक ह्यूमन रिलेशन के एथिकल स्टैंडर्ड की वॉयलेशन है एंड इट शुड ट्राई टू मिनिमाइज हार्म मैन इट इज़ फोर सीएबल एंड अन अवॉइडेबल लेट्स अगर हार्म जो है उसका साथ बेनिफिट बहुत ज़्यादा इंटेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर तो हम उसको आ, सोच सकते हैं जैसे हम कीमोथेरापी देते हैं टू प्रिवेंट अ कैंसर डिजीज़ तो वो सिचुएशन के अंदर हमें पता है कि कैंसर से जो है वो आपको क्योर होने के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो ये ड्रग दी जा रही है जिसके ये पेनफुल साइड अफेक्ट्स हैं हार्म है लेकिन इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है इसी तरह सिमिलरली हम आ, कुछ वैक्सीनेशन के टेम्प्रेरी साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन उसके प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल की होती है तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को आ, बहुत ज़्यादा सेफली कंसिडर करते हैं देन इंफॉर्म कंसेंट मैन साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च और प्रोवाइड असेसमेंट थेरेपी काउंसलिंग और कंसल्टेशन सर्विसेज दे शुड अपटेन द इनफॉर्म कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सबसे पहले इनफाम कंसेंट लिया जाए अगर वो इंडिविजुअल माइनर है तो उसके एडल्ट से लिया जाए आ, या फिर उस इंडिविजुअल से खुद लिया जाए इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट एंड वेलफेयर अगर इनफॉर्म कंसेंट नहीं लिया जाता तो ये भी एक ह्यूमन रिलेशन की वायलेशन है देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजिस्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग ऑन पर्सनल रोल जहाँ पर प्रोफेशनल रोल जहाँ पर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्टरइज हो रहा हो साइंटिफिक लीगल फाइनेंशियल प्रोफेशनल या किसी भी तरह का को कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज हो रहा है तो वहाँ पर टू एम्पियर योर ऑब्जेक्टिविटी आपको न्यूट्रल प्ले करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आ, उस सिचुएशन में थेरेपी ना दी जाए उस सिचुएशन के अंदर प्रोफेशनल गाइडेंस ना दी जाए उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लिया जाए आ, इस सिचुएशन में डिटाशदा होने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको हार्म आपके पार्टिसिपेंट को भी हार्म हो सकता है और हार्म साइकोलॉजिस्ट को ख़ुद भी हो सकता है तो अवॉइड सर्टेन सिचुएशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आप उससे बेहतर है एंड होने से क्या आप उससे रिफ्रेन रहें अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जब हम ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं सो वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर हमें डिफरेंट हरार नज़र आ रही होती है किसी जगह पर एक प्रोफेशनल जो है वो मल्टीपल रोल्स के साथ जुड़ा होता है तो मे बी अगर आपके पास आपकी आ, आपके ही फ्रेंड के कोई बच्चे कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं एंड यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स काइंडीज चिल्ड्रन हैव तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है तो ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों को थेरेपी देने से बेहतर है कि उनका प्रोपरीट रेफरल जो है वो रिकमेंड किया जाए दैन थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज दैन साइकोलॉजिस्ट एग्री टू प्रोवाइड सर्विस टू अ पर्सन और इन

उस पैथोलॉजिकल बिहेवियर के क्योर होने के चांसेस जो है वो ट्वेंटी परसेंट हैं और उसके बाद इसके लिए थेरेपी को सस्टेन रखना पड़ेगा ताकि हम बिहेवियर्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकें तो ये भी पहले बताना ज़रूरी है बिकॉज देर आर सम काइंड ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती हैं इसके अंदर हम हंड्रेड परसेंट एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स तो कर लेते हैं लेकिन हम उसमें थाट्स को हंड्रेड परसेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर यह बताना कि वी नीड टू इंगेज अ पर्सन विदैट्रिस्ट एज वेल ताकि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाए दैट इज़ वे मच इम्पॉर्टेंट लेकिन किसी ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर में हम सकेट्रिस्ट uh, की ज़रूरत है लेकिन हम रिकमेंड नहीं करें दैट इज़ ऑल्सो इन अप्रोप्रिएट तो यू नो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रॉपरली बिटवीन द पार्टीज दे नीड टू बी सटल और इफ़ दे आर रिफरिंग टू एनी थर्ड पार्टी सो जहाँ पर हमें लगता है कि फिजियोथेरापिस्ट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है साकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है हमें लगता है कि यहाँ एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये अप्रॉप्रिय थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट पुटअप करना बहुत लॉजिकल और बहुत इम्पोर्टेंट है